हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित विद अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑन माय चैनल गाइस। और आज की इस वीडियो में हम लोग पोचिंकी की रोटेशंस, पोचिंकी में क्या क्या कहाँ पे उतर के कैसे कैसे रश करना चाहिए और जो भी छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स की बात कर रहा हूँ भाई। यहाँ पे हम लोग गॉड निक्सन नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि इतना मतलब टैलेंट भाई किसी किसी में होता है। तो यहाँ पे जो भी छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स है वो मैं आपको बताऊँगा, और सारी चीज़ें रोटेशंस रश कैसे करना है ना, ऑल दैट सब चीज़ें बताने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो फॉर इट। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पोचिंकी के नक्शे के बारे में। पोचिंकी यहाँ पे टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ पार्ट्स की किसको क्या नाम, मतलब किसका क्या नाम है, किसको क्या बोलते हैं। और देखो, अगर आपने अलग नाम रख रखे हैं पर्टिकुलर पार्ट्स के तो बहुत ही बेस्ट है, बिकॉज अगर आपकी टीम को, आपकी लाइनअप को नाम याद है ना, तो मतलब आप तुरंत आइडिया से बता सकते हो कि यार वहाँ पे बंदा है, उस पार्ट पर बंदा है, ठीक है। बट मैं जो नाम बताने वाला हूँ वो मेरे अकॉर्डिंग है, तो अगर आपने पहले से नाम डिसाइड कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जिनको नहीं पता है उनको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। ये जो आप कंपाउंड्स देख सकते हो इनको बोलते हैं रोड साइड कंपाउंड्स, जो कि रोड क्रॉस करके आपको सारे के सारे कंपाउंड्स मिलेंगे। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हो इनको बोलते हैं बिग हाउसेस कंपाउंड्स, या फिर आप बोल सकते हो बीबी कंपाउंड्स, जो कि इसका नाम इसलिए रखा गया ऐसा क्योंकि यहां पे जो दो बिग हाउसेस होते हैं ना, उसकी वजह से इनको बोलते हैं बिग हाउसेस कंपाउंड्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं मिडल कंपाउंड्स। मिडल कंपाउंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सेंटर में होते हैं पूरे पोचिंकी के। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस यार, बहुत पीछे से आवाज़ आती है। ये पोचिंकी के सेंटर में होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं मिडल हाउसेज या मिडल कंपाउंड्स, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये जो बिग हाउसेज होते हैं, इसकी वजह से इसका नाम मतलब बिग हाउस रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मिडल कंपाउंड हो गया। अब ये होते हैं फाइव हाउसेज। फाइव हाउसेज क्यों बोलते हैं इनको, बिकॉज यहाँ पे 5 घर एक साथ मौजूद होते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं फाइव हाउसेज। अब ऊपर की साइड आप देख सकते हो एक ट्राइंगल शेप में आपको एक कंपाउंड का एरिया दिखाई देगा, उसको बोलते हैं ट्राइंगल कंपाउंड्स, यानी ट्राइंगल, ठीक है। हम लोग कंपाउंड्स वगैरह यूज़ नहीं करते, ट्राइंगल बोलते हैं, डायरेक्टली ट्राइंगल पे बंदे हैं, तो हम लोग ट्राइंगल पे कैसे रश करना है एंड ऑल दैट सारी हमारी डिसाइड होता है ऑलरेडी स्ट्रेटेजी, तो उस तरह से रश करते हैं। और इसको बोलते हैं गोल्डन हाउस कंपाउंड, या फिर ब्राउन हाउस कंपाउंड, या फिर ब्रिक हाउस कंपाउंड, बिकॉज यहाँ पे एक ब्रिक हाउस होता है जिसको कुछ लोग गोल्डन हाउस बोलते हैं, कुछ लोग ब्राउन हाउस बोलते हैं, सबका अलग अलग है, ठीक है। जिसका आपका अगर पहले से है तब तो भाई बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर आपका पहले से नहीं है तो आप जो मैं बता रहा हूँ वो रख सकते हो, ठीक है। तो सबके नाम आपको पता लग गए, ठीक है, 6 पार्ट्स में डिवाइड है। अब मैं आपको बताता हूँ लूट कहाँ ची मिलती है और गाड़ी कैसे आपको लेनी है, कहाँ कहाँ गाड़ी होती है, उसके बाद हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स और गेम में चल के बातें करेंगे, वो बात की बात है। देखो पोचिंकी में लूट का क्या सीन रहता है मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ, बिकॉज यार यहाँ इस पार्ट को मैं ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता, बिकॉज लूटने का पार्ट कभी भी मतलब बदल जाता है, ठीक है। तो पोचिंकी में जो बिग हाउस कंपाउंड्स होते हैं ना, जो बड़े बड़े कंपाउंड्स होते हैं, लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हो, वहाँ पर लूट आपको सबसे कम मिलेगी। इस कंपाउंड में आपको उतरना ही नहीं है अगर आप लूटना चाहते हो, क्लासिक खेलना चाहते हो, इस कंपाउंड में आपको उतरना ही नहीं है। और अगर आपकी कोई अलग स्ट्रेटेजी है कॉम्पिटिटिव में तो आप कहीं भी उतरो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट स्टिल यहाँ पर अगर आप उतरोगे तो आपको नहीं मिलेगी पोचिंकी में। अदरवाइज आप किसी भी कंपाउंड पे उतर जाओ आपको लूट मिलेगी डेफिनेटली, बट यहां पे मत उतरना भाई, क्योंकि ये जो दो घर है ना इसमें आपको मिलेगी पिस्टल, ठीक है, और बचे कितने 3 घर, उसमें आपके पूरे तीनों बंदों को एक एक गन मिल जाए तो भाई भगवान का लाख लाख शुक्र है, वरना आपको वो घंटा भी नहीं मिलने वाला वहां पे कुछ। और बाकी के जो कंपाउंड है वहां पे आप कलर देख सकते हो काफी डार्क है, और सारे जितने भी कलर है वहां पे आपको अच्छी लूट मिल जाएगी। अब गाड़ियों की बात कर लेते हैं, गाड़ी कहां से लेनी है, कहां पे मिलती है। तो अगर गाड़ियों की बात की जाए पोचिंकी के अंदर कितनी गाड़ियाँ स्पॉन होती है, 3 गाड़ियाँ स्पॉन होती है। पहली गाड़ी आपको कहाँ मिलेगी, फाइव हाउसेज के सामने, जस्ट सामने जो एक वॉच टावर होता है, वॉच टावर के लेफ्ट में आपको एक गाड़ी डेफिनेटली स्पॉन मिलेगी। दूसरा, पोचिंकी के अंदर एक गैरेज होता है, ठीक है, गैरेज में आपको डेफिनेटली एक गाड़ी मिल जाएगी, ठीक है, मैं आगे एक चीज़ और बताऊंगा आपको। और तीसरा, अगर आप गटका की रोड पर थोड़ा सा आगे निकलेंगे, गटका की साइड जो रोड जाती है वहाँ पर आपको एक गाड़ी मिलेगी वॉच टावर के बगल में, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ तीनों गाड़ियों में से दो गाड़ी आपको डेफिनेटली स्पॉन मिल जाएगी, बट हर बार जरूरी नहीं है कि आपको दोनों गाड़ी स्पॉन मिले। कई बार क्या होता है कि गैरेज में आपको गाड़ी नहीं मिलती है, फाइव हाउसेज के सामने गाड़ी खड़ी होती है। कई बार क्या होता है कि आपको गैरेज में भी नहीं मिलेगी, फाइव हाउसेज के सामने भी नहीं मिलेगी, आपको गाड़ी कहाँ मिलेगी, जो आप ऊपर देख सकते हो ना वॉच टावर, चर्च के लेफ्ट वाला वॉच टावर, वहाँ के लेफ्ट में आपको एक गाड़ी मिलेगी। और कई बार दो गाड़ियाँ आपको डेफिनेटली मिल जाती है। अब गाड़ी कौन सी है, व्हीकल कौन सा है, वो डिपेंड करता है इस गेम पे भाई, वो उसका कुछ मैं मेरे को नॉलेज नहीं है, कभी भी कुछ भी मिल सकता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर पोचिंकी की आउटसाइड की बात करें तो आपको जो पोचिंकी रोड है जो 3 साइड जाती है, वहाँ पे हर जगह आपको एक गाड़ी डेफिनेटली मिलेगी। मार्कर तो 3-3, 4-4 गाड़ियों की दिखा रहे हैं, बट एक गाड़ी आपको डेफिनेटली वहाँ पर मिलती ही मिलती है। तो आप अगर आप गाड़ी ढूंढने निकलते हो तो अपने टीममेट्स को तीनों चारों तरफ भेज दो और आपको गाड़ी डेफिनेटली मिल जाएगी जल्दी से जल्दी।
तो भाई बात कर लेते हैं रोटेशंस के बारे में। अगर आप फाइव हाउसेस की साइड उतरते हो तो आप मिडिल कंपाउंड पे डायरेक्ट रश नहीं कर सकते, बिकॉज थ्री स्टोरी बंदे होते हैं, सामने वाले हाउसेस पे भी बंदे हो सकते हैं मे बी। अगर आपको पता है कि वहाँ पे एक ही स्क्वाड है तो कभी भी ऐसे डायरेक्ट रश मत करना, क्योंकि मे बी वहाँ पे कोई ना कोई कैंप करता होता है ऑलवेज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी रोटेशन देनी है। रोटेशन कैसे देनी है, आपको ट्राइंगल पे जाना है राइट पे, ओके। राइट में ट्राइंगल से घूम के आप जा सकते हो बिग हाउसेस कंपाउंड, या फिर उसके भी पीछे से घूम के आराम से जो मिडल में होते हैं उन पर रश कर सकते हो ईजिली गाइज। यहाँ पे आने के बाद उनका एंगल नहीं मिलेगा, और इस तरह से पूरा राइट में रोटेट करके अगर जो भी मिडिल कंपाउंड में कैंप कर रहा है वहां पे जाके बूम बम आप कर सकते हो। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी रोटेशन मेरे फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम है फेट। फेट ने मेरे को सजेस्ट किया कि देखो अगर आप फाइव हाउसेज उतरते हो, ठीक है, और यहाँ पे देखो मैं मैप खोल के आपको बताता हूँ कि बिग हाउस कंपाउंड्स में भी बंदे हैं, ठीक है, यहाँ पे मिडिल कंपाउंड में भी बंदे हैं, ट्रायंगल पे भी बंदे हैं, और रोड साइड कंपाउंड में भी बंदे हैं, मतलब ऑल ओवर जो पूरा पोचिंगी का पार्ट है वो चारों पार्ट्स भरे हुए हैं, ठीक है। तो कहाँ पे पहले रश करना है, कैसे पोचिंकी की पूरी फाइट को क्लियर आउट करना है, पहले मैं बताऊं। अगर आप फाइव हाउसेज उतरे हो, ठीक है, जो कि एकदम कॉर्नर्स पे होता है, ठीक है, यहाँ से आप पीछे भाग सकते हो। अगर आपके पास गन नहीं है तो आप आराम से पीछे जो बार्न हाउस होते हैं ना पोचिंकी के बाहर की साइड, वहाँ पे जाके मतलब कैंप कर सकते हो। बट स्टिल अगर आपको फाइट लेनी है और पूरा पोचिंकी क्लियर आउट करना है तो आपको क्या करना है, कहाँ पे पहले रश करना है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो राइट साइड पे आपको ट्रायंगल दिखेगा, ठीक है, ये ट्रायंगल है सामने, ट्रायंगल पे मतलब आपका एक बंदा यहाँ पे बैठा दो, और बाकी के तीन बंदे जो ये गटर लाइन होती है जिसको जो भी बोलना है ये बोलते हैं, यहाँ से तीन बंदे पुश करो डायरेक्टली, बिकॉज अगर उस कंपाउंड से कोई बंदा पिक करता है तो आपका पीछे वाला बंदा आपको कवर फायर दे सकता है इजीली, बहुत इजीली यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद आप नेट वेट करो, यहाँ पे रश कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो कोई भी बंदा आपको नहीं मारेगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आने के बाद जो मिडिल कंपाउंड होते हैं उनकी छत से ही एंगल बनता है, और छत पे कोई आएगा नहीं बिकॉज पूरा पोचिंग भरा हुआ है, तो छत पे आने का कोई रिस्क लेता नहीं है बेसिकली। तो इस तरह से आप यहां पे आ सकते हो, बट एक चीज का ध्यान रखना कि यहां पे नीचे आप देख सकते हो एक बंदा लेटा हुआ है, ठीक है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, बिकॉज जब पोचिंग की भर जाता है ना तो भाई बंदे इस घास में आके लेट जाते हैं, घास बहुत ही बड़ी बड़ी होती है और यहां पे कोई भी बंदा दिखता नहीं है। अगर आप डायरेक्टली इस ट्राइंगल पर रश करने के लिए आते हो तो यहां पे अगर कोई टीम लेटी हुई है, कोई बंदा लेटा हुआ है, तो आपको भर देगा और आपका बूम बम हो जाएगा, और यही स्ट्रेटेजी सारी की सारी धरी रह जाएगी। तो आपको सबसे पहले चेकआउट करना है कि यहां पे कोई लेटा ना हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको ट्राइंगल पर रश करना है। ट्राइंगल पर रश करने के बाद आप क्या करो, बिग हाउसेज होते हैं ना पूरा का पूरा, मतलब ट्रायंगल घूम के बिग हाउसेस पहुंच जाओ, ताकि जो मिडिल कंपाउंड पे बंदे हैं वो भी वहीं फंस जाएंगे और आप उनका आराम से सैंडविच कर सकते हो और थर्ड पार्टी का वेट कर सकते हो। तो भाई ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, और डेफिनेटली फेट के बताने के बाद हम लोग भी ये यूज़ करने वाले हैं आने वाले पोचिंकी के गेम्स में। और आपको पता ही है मैं पोचिंकी बहुत ज़्यादा उतरता हूँ, तो सारी की सारी जो टिप्स एंड ट्रिक्स होने वाली है ये सारी की सारी एक्सपीरियंस बेस्ड हैं, ठीक है, जो भी हमने एक्सपीरियंस लिया अभी तक पोचिंकी का वो सारी की सारी उस पर बेस्ड हैं, ओके। तो अब टिप्स एंड ट्रिक्स की बात की जाए तो देखो एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि जब भी आप कोई भी घर लूटो, इस घर के जो ऊपर के दरवाजे होते हैं ना उनको तोड़ दो सबसे पहली चीज़। जैसे आप यहाँ पे उतरे टू बिग हाउसेज वाले कंपाउंड्स पे उतरे, और यहाँ पे जो भी घर के दरवाजे होते हैं ना ऊपर वाले उनको तोड़ दो, क्योंकि भाई यहाँ से बंदे ऊपर चढ़ जाते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा एंगल मिलता है। अगर आप कहीं और लूट रहे हो तो किसी भी खिड़की से आपको गोली पड़ सकती है। तो जो भी घर आप लूटो भाई उसके दरवाजे साथ के साथ तोड़ते चले जाओ। अगर आप कैंप नहीं कर रहे तो, कैंप कर रहे हो तो बात अलग है, कैंप करो तो आप डेफिनेटली भी साउंड नहीं देना चाहोगे, बट स्टिल कैंप यार पोचिंग की में होता ही नहीं है आजकल, काफी लोग एंगल बना ही लेते हैं। तो ऊपर के दरवाजे तो भाई हमेशा तोड़ दो, ताकि आपको बीटी कभी भी ना हो, ठीक है, ये दरवाजे आप हमेशा तोड़ दो यार, ये चीज़ तो आप हमेशा ध्यान रखना, चाहे बाकी कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स आप भूल जाओ। और ये भाई वीडियो बनाते टाइम खुद के ही टीममेट हमको मार देते हैं, इसका कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए टिप नंबर टू बताता हूँ आपको मैं। टिप नंबर टू है कि जब भी आप लैंड करो, अगर आपको लग रहा है पोचिंग में ज़्यादा बंदे नहीं आए, और अगर आपको बॉट वॉट मारने हैं तो आप यहाँ पे ट्रायंगल पे जंप करो। ट्रायंगल पे जंप करने के बाद क्या होता है कि ये हीट कंपाउंड्स होते हैं, यहाँ पे आपको लूट मिल जाएगी, उतरते आपको डेफिनेटली एक गन तो मिल ही जाएगी जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे। और गन मिलने के बाद आपको जो ये सामने एरिया दिख रहा है भाई, यहाँ पे डेफिनेटली तीन चार बॉट आपको लड़ते हुए दिख जाएंगे, और हो सकता है एक दो बॉट तो आपके खुद के घर में आ जाए नीचे भाग के, और आप बड़े प्यार से मिनिमम चार पाँच किल यहाँ से उठा सकते हो अगर पोचिंकी में कोई नहीं उतरा है तो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यार पोचिंकी में बंदे उतरे आप टीममेट को छोड़ के बॉट मारने यहाँ पे ट्रायंगल पे उतर गए, ठीक है, तो वो तो भाई आपके गेम प्ले पर डिपेंड करता है। बट स्टिल अगर आपको बॉट मारने हैं तो ये एक मेरी मतलब एक बोनस टिप आप समझो जो आप यूज़ कर सकते हो।
टिप नंबर 3, इस हाउसेस पे अगर आप पे रश हो रहा है या आप किसी पे रश कर रहे हो तो देखो क्या हो सीन होता है कि एक बंदा यहाँ पे ऊपर टीपी भी ले रहा होता है, ठीक है। तो अगर आप नीचे से आते हो, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर वो बंदा टीपी भी ले रहा है तो उसको कैसे मारना है। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे अगर एक बंदा टीपी भी ले रहा है, ठीक है, आपके टीममेट्स को क्या करना है, मतलब आपको क्या करना है जब आप नीचे से ऊपर आओगे, ठीक है। देखो यहाँ पे दो बंदे हैं, आपको दो बंदों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको क्या करना है, एक बंदा तो राइट में भेज देना है और जैसे ही सामने वाला बंदा जो टीपी भी ले रहा है वो उठ के निकल के मारने लगेगा, ठीक है। और देखो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे मैंने इसको मारा, ठीक है, और बगल में से दूसरा बंदा आ गया, उसने मेरे को यहाँ पे डैमेज दे दिया। तो आप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे कोई बंदा टीपीपी ले रहा है तो आपको क्या करना है, नीचे सीढ़ियों पे आपके दो टीममेट भेज देने हैं, उनको बोलना है एक राइट चला जाए और जब सामने वाला बंदा मुंह दिखाए तो भाई उसको मार दे। तो ये कैसे सक्सेस होती है, सामने से एक बंदा आया, ठीक है, जो एनिमी होगा वो उसको मारने के लिए बाहर निकलेगा ऐसे, और राइट से जो आपको दूसरा टीममेट होगा जो नीचे की साइड बैठा होगा वो इस बंदे को आराम से मार देगा। सो इस वीडियो की मैं आपको लास्ट जो टिप है वो बता देता हूँ कि ये वाला जो घर है जिसमें ये सीढ़ियाँ होती हैं, यहाँ पे आप ऊपर जाते हो, ठीक है, आपका बूमबाम हो जाता है। और ऐसे पोचिंकी में बहुत सारे घर हैं, ठीक है, मीरामार में भी ऐसे घर मिलेंगे आपको जिनकी एक सीढ़ी होती है, ऊपर जाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सीन होता है, देखो यहाँ पे पहली चीज़ तो सीढ़ियों से जब आप ऊपर रश करो तो एक बंदा यहाँ पे बैठा होता है ऊपर, जहाँ पे मैं हूँ, मैं एक एनिमी हूँ, यहाँ पे एक बंदा डेफिनेटली यार बैठा ही होता है हमेशा, जो क्या करेगा जैसे आप ऊपर आओगे, ठीक है, आपको ईजिली यहाँ पे जो नीचे सीढ़ियों से जो भी ऊपर आएगा उसको ऐसे भर देगा, ठीक है, बहुत आराम से यूँ जिगलिंग करके, और भाई नीचे वाले बंदे के पड़ेगी हेड पे और वो बंदा एक गोली में नॉक। तो नीचे से आप इस तरह से रश तो कर ही नहीं सकते यार, ये तो बेवकूफ़ी होती है। और दूसरा कि आपको एक चीज़ और नहीं करनी है कभी भी, मतलब नीचे से अगर आप टीम मतलब ऊपर रश कर रहे हो ना तो सीढ़ियों से दो बंदों को एक साथ नहीं घुसना है, दो बंदे एक साथ घुसोगे ना तो वो अटक जाते हैं, या तो आपको एक एक करके आना है इस तरह से, ठीक है। अब दो बंदे एक साथ घुसोगे तो क्या होता है, देखो यहाँ से मान लो दो बंदे एक साथ आए और वो अटक जाएंगे यार एक दूसरे के बगल में, ठीक है, और जो यहाँ पे ऊपर टीपी भी ले रहा है वो दोनों बंदों को बड़े आराम से मार देगा। तो पहली चीज़ तो रश तो इस तरह से करना ही नहीं है। रश करने की मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, ऊपर एक बंदा कैंप कर रहा है मान लो, ठीक है, और आपका नीचे एक बंदा किस तरह से बैठाना है मैं आपको एक बार नीचे जाके बताता हूँ। यहाँ पे देखो नीचे से ऊपर अगर कोई भी बंदा कैंप कर रहा होगा तो आपको उस पर एंगल मिलेगा बहुत ईजीली, ये देखो, ठीक है, आप चाहो तो उसको यहाँ से मार सकते हो। तो आपको क्या करना है, अपने टीममेट को राइट से सीढ़ियों से मतलब ऊपर भेजना है इस तरह से, और आपको क्या करना है, नीचे ही बैठे रहना है और आप उस बंदे को ईजिली बूमबाम कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ लाइव, ठीक है, मान लो यहाँ पे टीपी भी ले रहा है कोई बंदा, ये एनिमी है, एनिमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लाइव देखो, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे रश करने का नतीजा। अब एक बंदा आया, ठीक है, और नीचे से दूसरे बंदे ने कवर दे दिया, ये है बहुत ही गंदी चीज़, आप इसको यूज़ करो हमेशा, मतलब ये हमेशा काम करती है यार, हमेशा काम करती है, ठीक है। और मैं आपको डेथ रिप्ले दिखा देता हूँ यहाँ पे एक बार कि मेरे साथ हुआ क्या। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि अपने टीममेट को कि तुम राइट से ऊपर जाओ, ठीक है, तो वो बंदा राइट से सीधा ऊपर गया और यहाँ से इस बंदे ने बहुत ही अच्छा कवर फायर दिया और यहाँ पे बूम बाम कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये जो ट्रिक है यहाँ पे बहुत ही अच्छे से काम आती है। सो या गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो बनाने में मेरी हेल्प की है फेट ने, हरमन ने, और स्पेशली थैंक्स टू बंकर भाई, इनका भी चैनल है, अगर आप चाहो तो इनका चैनल जाके चेकआउट कर सकते हो, ये भी टिप्स एंड टेक्स की अच्छी वीडियोस अपलोड करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप ऑन दिस वीडियो, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट क्लिक ऑन रेड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो फॉर मोर ऑसम एंड अमेजिंग वीडियोज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टिल देन बी सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस, माई नेम इज़ अर्पित एंड आई एम साइनिंग आउट।